ऑन करूं तो लुक एट द लुक्स मैन। और ये रही यामाहा की बाइक कनेक्ट ऐप, ऐसे खोलेंगे तो आपको डिटेल दिखेगी। तो ये आ रहा है एरोक्स, तो कैसे मेरे प्यारे मस्त वाले भाई लोग, आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। ये मेरे साथ खड़ा है यामाहा एरोक्स 155 स्कूटर, जो मेरे को यामाहा की तरफ से भेजा गया फॉर रिव्यू। सो आज हम इसके बारे में बात करेंगे, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और जो इसकी है ऐप दैट इज़ वाई कनेक्ट ऐप, और क्या क्या फीचर्स हैं इसमें, क्या क्या स्पीडोमीटर में क्या क्या खासियतें हैं एंड ऑल एवरीथिंग इन डिटेल। वीडियो कर दी सबसे पहले लाइक, वीडियो कर दी शेयर अपने दोस्तों अपनी फैमिली फ्रेंड के साथ। कमेंट सेक्शन खुला है, कमेंट कर देना। नए हो चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर लीजिए, नहीं चला लो बटन दबा के घंटे वाले बनवा दो नोटिफिकेशन के लिए। मेरे प्यारे भाइयों, ज़्यादा वक्त नहीं वेस्ट करते, वीडियो शुरू करते हैं। तो प्यारे भाइयों, ये है यामाहा एरोक्स का स्पीडोमीटर, तो इसको मैं ऑन करूँ तो लुक एट द लुक्स मैन, क्या बात है। तो इसको थोड़ा सा मैं शाम में बना रहा हूँ ताकि लाइट अच्छी दिखे और स्पीडोमीटर की जो डिटेल्स हैं वो पूरे अच्छी तरह से दिखे हमारे को। तो यहाँ पे जो ये लाइट जल रही है वो ABS की है, और नीचे जो आती हैं लाइटें दैट इज़ ऑटो कट ऑयल और टेम्परेचर का, और साथ में ऊपर यहाँ पे इंडिकेटर के आते हैं, ये देख लीजिए। और साथ में यहाँ पे और यहाँ पे भी आती हैं डिटेल्स, वो एक बार दिखाता हूँ ऑन करके दोबारा से। यहाँ पे आएगा ऐप से जब आप कनेक्ट करोगे और फ़ोन की बैटरी का, यहाँ पे फ़ोन कॉल और मैसेजेस का आता है। तो नीचे है आपका फ्यूल गेज, ऊपर है आपका स्पीड का, ये दोनों साइडों पे आपके RPM का, ऊपर है आपका टाइम का, यहाँ पे बेल्ट और ऑयल का आती है इंडिकेशन, और इस तरफ आता है आपका VVA की, और ये देखा दोबारा से वो देखिए। तो VVA एक्टिवेट हो जाता है इसका 6000 RPM पे, और स्पीड इसकी अगर 70 से ऊपर हो तो VVA एक्टिवेट हो जाता है। तो यहाँ पे उसकी डिटेल पूरी आ जाती है, VVA एक्टिवेटेड है। तो ये रहा यहाँ पे मेन्यू का बटन, और इसको दबाते रहो। जैसे ये है ओडो, ट्रिप वन आ गया, फिर ये ट्रिप टू आ गया, ये उसकी एवरेज आएगी। जब इसको स्कूटर ऑन होगा, चल रहा होगा, तब इसको दिखाएगी एवरेज का। ये नॉर्मल फ्यूल इकोनॉमी जो आ जाती है 29.8 की देरी एवरेज, और ये है आपका बैटरी का, और ऊपर आपका देखो बेल्ट का आ गया, एंड ये है आपकी ब्राइटनेस का, और बस ये चीज़ें हैं। देखो ऑयल बेल्ट का भी आता है, ऐसे इसको दबाई जाओ तो आपको पूरी पूरी डिटेल्स आती जाएंगी। जो इसमें मिसिंग है वो है आपका डिस्टेंस टू एम्प्टी नहीं दिखाता। तो जब आप इसको यामाहा की ऐप से कनेक्ट करोगे तो जैसे मैंने आपको बताया है यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन आती है तो वो आपको दिखनी शुरू हो जाएगी। तो एक काम करता हूँ, दोबारा से इसको ऑफ करके ऑन करके दिखाता हूँ, क्या बात है यार। तो ये रहा मेरा फ़ोन, और अभी यामाहा की ऐप खोलें, और ये रही यामाहा की बाइक कनेक्ट ऐप, ऐसे खोलेंगे तो आपको डिटेल दिखेगी। तो ये आ रहा है एरोक्स, देखिए मैंने इंस्टॉल करा हुआ है, ऑटोमेटिकली कनेक्टेड है क्योंकि स्कूटर ऑन है। तो यहाँ पे दिखा रहा है लास्ट अपडेट क्या कब हुआ है, ऑयल का साइन, और यहाँ पे आपका बैटरी का, ठीक है, और नीचे दिखा रहा है टोटल माइलेज कितना स्कूटर चला है, और ये फ्यूल का है यहाँ पे कि कब कब आपने फ्यूल भरवाया है, कैसा कैसे उसकी एवरेज आई है। मेरे पास तो अभी आई थोड़े टाइम के लिए है तो मेरे को ज़्यादा पता नहीं। ये आपकी लास्ट लोकेशन दिखाएगा कहाँ पे आपने खड़ा करा था, और ये पूरी डिटेल्स कैसी कैसी है जब जब आप फ्यूल भरवाएंगे। तो चलते हैं पहले उसके ऊपर, तो यहाँ पे सबसे ऊपर देखेंगे, यहाँ पे आएगी आपकी व्हीकल इंफॉर्मेशन, रेव डैशबोर्ड, फ्यूल कंजम्पशन, वही सेम चीज़ आती है। तो इसका मेन है रेव डैशबोर्ड, तो मतलब यहाँ पे आएगा आपका एयर टेम्परेचर, वाटर टेम्परेचर, ये देखो जैसे रेस दे रहा हूँ तो ये ऊपर ऊपर जा रहा है, ठीक है, ये ऐसे ही जाता है। इसमें मैप्स नहीं दिए गए हुए हैं, तो यामाहा को चाहिए था भाई अगर दे रहे तो भाई इसमें मैप्स भी दे दो, इतनी चीज़ें दी हैं तो यार वो भी अपडेट करके दे दो तो बहुत अच्छा होगा। एंड विच इज़ मिसिंग मैन, आई वुड से थोड़ा सा यामाहा इसके अंदर और इन्फॉर्मेशन दे दे तो बहुत अच्छा होता। या देखो यार, मैं तो ये बोलूँगा कि अगर आप इसके अंदर इतनी जगह यहाँ पे खाली पड़ी है तो टर्न बाई टर्न नेविगेशन अगर डाल दी जाए तो बहुत अच्छा है, क्योंकि देखो यार ये आपका प्रीमियम प्रोडक्ट है। तो जो मेरे को फील हुआ और जो मिसिंग मेरे को लग रहा है मैं अपने बोल रहा हूँ, बाकी प्लीज़ डोंट टेक मी रॉन्ग, रेस्ट एवरीथिंग इज़ यामाहाज़ डिसीजन। सो फिर भाई छोटा सा वीडियो बना है आज आप सबके लिए ऑन यामाहा एरोक्स 155 का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और जो इसकी है
ऐप दैट इज़ वाई कनेक्ट ऐप, और क्या क्या फीचर्स हैं इसमें, क्या क्या स्पीडोमीटर में क्या क्या खासियतें हैं एंड ऑल एवरीथिंग इन डिटेल। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो कर दी सबसे पहले लाइक, वीडियो कर दी शेयर अपने दोस्तों अपनी फैमिली फ्रेंड के साथ, कमेंट सेक्शन खुला है कमेंट कर देना, नए हो चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर कल जी चला लो बने दबा के घंटे वाले बनवा दो नोटिफिकेशन के लिए, इंस्टाग्राम फॉलो करनी चाहिए आ रही है। सो मेरे प्यारे भाइयों मिलते हैं ऐसे किसी और धमाकेदार वीडियो में आप सबके साथ एक बार फिर। गॉड ब्लेस यू ऑल गाइस, कीप लविंग एंड सपोर्टिंग मी, टेक केयर, बाय बाय।